नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर की कॉफी ने पांड्या के रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल टीवी शो कॉफी विद करण में केएल राहुल के साथ जाकर पांड्या ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि एक नेशनल खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। देश की क्रिकेट टीम का हिस्सा पांड्या और केएल राहुल पर बोर्ड ऑलरेडी बैन लगा चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन दोनों ही खिलाड़ियों पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और जब तक इंक्वायरी का नतीजा ना आ जाए तब तक इन दोनों ही खिलाड़ियों को सस्पेंड किया गया है। और दोस्तों, वही दूसरी तरफ करण जौहर के शो का ये वाला एपिसोड डिलीट कर दिया गया है। मगर दोस्तों, जब विवाद इतना बढ़ गया तो कैप्टन विराट कोहली से पत्रकारों ने सवाल कर लिए। सिडनी में फर्स्ट वनडे मैच से पहले विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इस मामले पर वो क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, कोहली ने कहा कि किसी भी खराब कमेंट का समर्थन नहीं किया जाएगा और इन प्लेयर्स को भी ये एहसास है कि कहां गलती हुई है और ये कितनी बड़ी गलती है। हम बतौर इंडियन क्रिकेट टीम और बतौर जिम्मेदार क्रिकेटर्स इस तरीके के विचारों से इत्तफाक नहीं रखते। साथ ही दोस्तों, ये पूछने पर कि अगर हार्दिक और केएल राहुल को कुछ मैचेस के लिए बैन किया जाता है तो इससे क्या टीम पर असर होगा, तो दोस्तों इस पर विराट कोहली ने कहा कि अगर टीम में बदलाव होता है तो टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे हमारे स्पिरिट पर कोई असर नहीं होगा जो हमने ड्रेसिंग रूम में बनाई है। इन दोनों खिलाड़ियों पर एक बार फैसला आ जाए उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन के साथ हम मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पांड्या के शो कॉफी विद करण में दिए गए अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान के बाद महेंद्र सिंह धोनी और कोच रवि शास्त्री से भी उन्होंने माफी मांगी। और दोस्तों, उससे पहले वो ट्विटर पर ये बयान जारी कर चुके हैं जिसमें दोस्तों वो लोगों से माफी ही मांग रहे हैं। दोस्तों, लगातार इस मामले में डेवलपमेंट्स हो रही है और लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। वेल दोस्तों, करण जौहर की कॉफी केएल राहुल और पांड्या को बहुत ही महंगी पड़ गई। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है और खासकर पांड्या के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।